सुस्वागतम निवेशक। आज के अर्थ संवाद पॉडकास्ट में हमारे साथ शुभम मिश्रा जी। शुभम मिश्रा जी मध्य प्रदेश से। इन्होंने अपनी बीटेक इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में की, फिर उन्होंने यूपीएससी के लिए प्रिपेयर किया। उसके साथ इन्होंने मेंस यूपीएससी की मेंस दी 2020 में, और ये प्लान कर रहे हैं अभी अपना पोस्ट ग्रेजुएशन फाइनेंशियल रिसर्च एनालिसिस में करना चाहते करने का। इन्हें पसंद है बुक्स पढ़ना, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और माइक्रो इकोनॉमिक्स में इनका इंटरेस्ट है। वेलकम सी सर। थैंक यू वेरी मच जय। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपने मौका दिया मुझे इस पॉडकास्ट में हिस्सा लेने के लिए। और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मेरी बेस्ट विशेज आपको हैं। थैंक यू सर। तो सर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि आप मेनली फंडामेंटल इन्वेस्टर की टेक्निकल इन्वेस्टर की, उनका दोनों का कॉम्बिनेशन है टेक्नो फंडा इन्वेस्टर। मैं बेसिकली दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करता हूँ, फंडामेंटल्स भी हैं और टेक्निकल्स भी हैं, तो टेक्नो फंडा अप्रोच है। पर जो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी होता है, कोई भी कंपनी मेरे रडार में जब आती है तो मैं उसका फंडामेंटल पहले चेक करता हूँ कि कंपनी इन्वेस्टिबल भी है या नहीं है। फिर उसके बाद अगर मुझे उसके सब चीज़ देखने के बाद, बिजनेस स्टडी करने के बाद, फंडामेंटल्स देखने के बाद कंपनी ठीक लगती है तो फिर मैं उसके चार्ट पे जाता हूँ कि अपने को कहाँ पे एंट्री लेनी है, क्या एक ऑप्टिमल लेवल होगा। तो उस चीज़ को डिसाइड करने के लिए टेक्निकल स्कीम में हेल्प लेता हूँ, तो गॉट टेक्नो फंडा कॉम्बिनेशन रहता है। गॉट इट सर। आप बीटेक इन टेली कम्युनिकेशंस में कर रहे थे, तो इन्वेस्टिंग के और स्टॉक मार्केट में कैसे इंटरेस्ट जगह आपका? हाँ, ये काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि बैकग्राउंड आपका इंजीनियरिंग का है, ग्रेजुएशन, तो फिर फाइनेंस और इकोनॉमिक्स कैसे। असल में इंटरेस्ट तो जब मैं 7th 8th क्लास में था तो मेरे फादर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं काफी दिनों से, म्यूचुअल फंड में भी करते हैं, डायरेक्ट इक्विटी में भी हैं। तो जी बिजनेस हमारे यहाँ टीवी पे आया करता था, तो आई यूज टू वॉच दैट। और फिर वहाँ एक नीचे टिकर चलता है जहाँ पर सारी कंपनियों के नाम आते हैं, उसमें प्राइसेस अपडेट होते रहते हैं, सेंसेक्स निफ्टी दिखता है। तो मैं बड़ा फैसिनेटेड होता था कि ये क्या चीज़ है, किस तरह से काम करती है। तो उसमें तो कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन एक दिमाग में इमेज बन गई थी कि इस तरह की कुछ चीज़ होती है। सो व्हेन आई गॉट इन टू बीटेक, सो एंड आई वाज आई आई टोल्ड यू दैट आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज आल्सो। सो देयर इज सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स इन सिविल सर्विसेज एंड इन मेंस देयर इज स्पेसिफिक पेपर, जीएस पेपर नंबर 3, व्हिच स्पेसिफिकली केटर्स टू इकोनॉमिक्स। तो उसमें एक टॉपिक होता है, थोड़ा वो पढ़ने के लिए आता है, सिक्योरिटीज मार्केट से रिलेटेड, या कोई न्यूज़ अगर आती है, आरबीआई ने कुछ एक्शन लिया या सेबी ने कुछ लिया, तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ न्यूज़ अगर आती रहती है तो हम लोग को बेसिक थोड़ा सा पढ़ना रहता है। तो वहाँ से मुझे लगा कि इस पर थोड़ा और एक्सप्लोर करना चाहिए, सो आई बिगैन टू एक्सप्लोर दिस सब्जेक्ट मोर एंड मोर। वहाँ से फिर इंटरेस्ट बनता चला गया, तो फिर अब आगे कहानी चल रही है, धीरे धीरे सीख रहे हैं, अभी भी सीख रहे हैं लगातार। मार्केट में 5 6 साल करीबन हो गए हैं, तो सीखने को बहुत कुछ है। इट इज़ अ वेरी वास्ट यूनिवर्स। आपको भी, आप ये भी शुरू कर रहे हैं तो आपको भी लग रहा होगा इसमें तो चीज़ें खत्म ही नहीं होती हैं। तो इसी तरह से ये सब्जेक्ट मुझे इंटरेस्ट में आया और फिर मैं इस पर आगे काम कर रहा हूँ। अपने बेसिक्स मतलब जैसे आपने अभी इलाबोरेट किया प्रोसेस प्रोसेस को कि यूपीएससी में एक सब्जेक्ट था छोटा सा सिक्योरिटीज मार्केट का, उससे आपने इंटरेस्ट जगह शेयर मार्केट में फिर से, और फिर आपने बिगिन कैसे किया बेसिक्स? आपने पहले टेक्निकल से स्टार्ट किया, फंडामेंटल स्टार्ट किया, और फिर वो लर्निंग बढ़ते 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 अभी तक आ गई, वो उसका उसका पूरा प्रोसेस। शुरू में तो मैं टेक्निकल नहीं जानता था, टेक्निकल चार्ट्स वगैरह जब मैंने शुरू किया था तब मुझे ये पता था कि कंपनी के बारे में आई हैव टू स्टडी द बिजनेस फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी, उसके सेक्टर के बारे में, किस सेक्टर में ऑपरेट कर रही है। क्योंकि इकोनॉमिक्स जब पढ़ते हैं तो उसमें अलग अलग सेक्टर्स आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एग्रीकल्चर है, ये सब सब्जेक्ट्स तो रहते ही हैं। तो उससे रिलेटेड कौन कौन सी कंपनीज हैं, उनके काम क्या हैं, तो फंडामेंटल स्टडी रहता था मैक्सिमम, 100% फंडामेंटल स्टडी था पूरा। तो बेसिक्स तो स्टार्ट किया कि मैं इकोनॉमिक टाइम्स जो न्यूज़पेपर होता है वो मैं पढ़ता था, और द इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ता था, उसमें इकोनॉमी का सेक्शन रहता है। तो बेसिकली इकोनॉमिक टाइम्स में काफ़ी सारे, एक मार्केट का उसमें सेक्शन अलग से रहता है ना, इट हैज़ ए सेक्शन ऑफ मार्केट सेपरेटली। तो वहाँ से फिर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें, इंटरव्यूज अगर आते थे कुछ फंड मैनेजर्स के, एक ICICI के हैं एस नारायण करके हैं, वो फंड मैनेजर हैं, तो उनके इंटरव्यू, उनके कभी कभी इंटरव्यूज में आते थे। कोटक के हैं नीलेश शाह सर हैं, उनके भी इंटरव्यू आते थे तो मैं पढ़ता था। तो वो लोग, वो Q&A फॉर्मेट में होता था, Q&A फॉर्मेट में समझना थोड़ा ज़्यादा आसान होता है बेसिकली, कि पूरा का थ्योरी हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट का, तो उसके मुकाबले Q&A इज रिलेटिवली ईजियर। तो वहाँ से गॉट मैंने धीरे धीरे पढ़ना चालू किया, तो फंडामेंटल्स वहाँ से स्टडी किया। तब तो ये सब क्योंकि जरा उधर वर्सिटी वगैरह जो आज हम पढ़ते हैं उस समय नहीं होता था, उस समय नहीं। आज तो अकाउंट खोलना भी इतना आसान हो गया है, मैं तो जब अकाउंट खुला तो 22 पेज का फॉर्म साइन करके उसको बैंगलोर पोस्ट करना पड़ता था, तब जाके अकाउंट खुला था।
तो चीजें काफी बदल गई, अभी काफी एक्सेसिबल हो गया सब चीजें, रिसोर्सेज। तो एट दैट टाइम इट वाज लिटिल डिफिकल्ट, तो इस तरह से शुरुआत इस तरह से की थी। और अगर एक फंडामेंटल गाय है जिसको टेक्निकल्स में जाना है तो उसे स्टार्ट कैसे करना चाहिए बेसिक से, कि उसे पहले क्या स्टडी करना चाहिए जिससे वो उसका फंडामेंटल पे ग्रास्प है लेकिन उसे टेक्निकल्स में भी थोड़ा समझना है, तो उसके लिए आप क्या रिकमेंड करेंगे? हाँ, कोई अगर आज स्टार्ट करना है, फिर वो नहीं स्टार्टिंग राइट ना हो, तो वो जो वर्सिटी का जो मॉड्यूल है वो तो बहुत ही जबरदस्त है। उसका जो टेक्निकल एनालिसिस का मॉड्यूल है, मॉड्यूल नंबर 2 है वो, तो वो बहुत अच्छा मटेरियल है। दूसरा एक NCFM करके एक नेशनल सर्टिफिकेट इन फाइनेंशियल मार्केट्स, वो NSE एकेडमी का ही है, उनका एक टेक्निकल एनालिसिस का एक वर्कबुक आता है, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। गॉट तो इट। ये दो मटेरियल आप पढ़ेंगे तो आपको बेसिक्स आ जाएंगे। असल में टेक्निकल एनालिसिस में बहुत ज़्यादा थ्योरी पढ़ने से आपको हेल्प नहीं मिलेगा, क्योंकि सब चीज़ें प्रैक्टिकल हैं। तो आप बेसिक थ्योरी जब पढ़ लेंगे तो यू विल गेट अ ओवरव्यू कि प्राइस सेक्शन क्या है, टेक्निकल मतलब पहले तो टर्मोलॉजी समझना बहुत ज़रूरी है। पीपल डोंट अंडरस्टैंड द बेसिक टर्मोलॉजी इन फाइनेंशियल मार्केट्स। उसके बाद आप बेसिक पढ़ने के बाद, व्हेन यू विल लुक एट द चार्ट, व्हेन यू विल प्रैक्टिस चार्ट्स, तो आपको अपने आप चीज़ें एक्सपीरियंस आ जाती हैं। कुछ कुछ ये मार्केट में एक्सपीरियंस ही सिखा सकती है, वो किसी बुक, मेंटर या वो आपको कभी नहीं सिखा सकता है, वो टाइम ही बताएगा और एक्सपीरियंस ही सिखाएगा। तो ये दो चीज़ आप कर लेंगे तो आपको बेसिक चीज आ जाएगी। उसके बाद आप धीरे धीरे चार्ट पे, ट्रेंड लाइंस, चैनल्स, मूविंग एवरेजेस, ये सब यूज करना, थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ेगा। इफ यू विल एक्सप्लोर बाई योर सेल्फ, देन यू कैन लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। दिस इज वॉट बेसिकली आई हैव डन ऑल्सो। एक्सप्लोरिंग थिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग इन मार्केट्स। गॉट इट। तो आपको एक बार एक बेसिक ओवरव्यू आ जाए तो आपको प्रैक्टिकल पे जाना चाहिए, चार्ट स्टडी करनी चाहिए, राइट? बिल्कुल एक बार बिल्कुल आपको बिल्कुल, वो ज़ीरोधा वायसराय का मॉडल और एनएसए एकेडमी हो जाए तो, हाँ बिल्कुल और आपको बिल्कुल, एक्सप्लोर करना चाहिए आपसे खुद से जितना होता है क्योंकि उससे ज़्यादा हाँ लोगों को जितना हो पता सके चलता है। एक्सप्लोर करना चाहिए। आजकल तो कितने यूट्यूब चैनल हो गए हैं, ट्विटर पे इतना मटेरियल है, ट्विटर तो मेरे ख्याल से वो यूट्यूब से भी ज़्यादा, मैं उसको मानता हूँ कि वहाँ पर ज़्यादा नॉलेज शेयर हुई है, पर वो लोग सर्च नहीं कर पाते कि कौन सही बता रहा है, कौन गलत बता रहा है। उसका डिफ्रेंसिएशन करना थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन आप धीरे धीरे सीख जाएंगे कौन सही बता रहा है, कौन गलत बता रहा है। तो वहाँ पर भी काफ़ी ट्विटर पे बहुत सारे हैंडल्स हैं जो लोग फॉलो करते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, दे आर डूइंग वेरी गुड वर्क इन एजुकेटिंग पीपल, स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट मार्केट्स। तो बहुत अच्छा वहाँ पर काम हो रहा है, वहाँ से भी सीखना चाहिए। गॉट इट सर। सर आप इन्हें बैल बोला था स्टार्टिंग में कि आप टेक्नो फंडा इन्वेस्टर है, तो आप इन दोनों को कंबाइन कैसे करते हैं, उस पर इलाबोरेट करें प्रोसेस को, कि आप अगर एक कंपनी को, पर्टिकुलर कंपनी को स्टडी कर रहे हैं उसमें आप कैसे फंडामेंटल पार्ट को करते हैं केटर और कैसे टेक्निकल पार्ट को केटर करते हैं। देखिए, सबसे पहले जब कोई कंपनी मेरे रडार पे आती है, आइडिया कहीं से आता है मुझे कि ये कंपनी ठीक लग रही है, और कहीं से भी आइडिया मिल गया, बहुत सारे सोर्सेज हैं, ट्विटर से मिल गया, वैल्यू पिकर से मिल गया, या कहीं न्यूज़पेपर में कहीं पढ़ रहे हैं कुछ तो वहाँ से आ गया आइडिया, या स्क्रीनर पर कुछ सर्च कर रहे हैं अपने आप, फिल्टर कर रहे हैं तो वहाँ से आइडिया मिल गया। तो आइडिया जब मिल जाता है तो सबसे पहले क्या करते हैं कि मैं क्या करता हूँ कि screener.in वेबसाइट है, वहाँ पर जाके उसका जो क्वान्टिटेटिव एनालिसिस है, क्वांटिटेटिव मतलब उसके क्या नंबर्स हैं, फाइनेंशियल हिस्ट्री क्या है, वो सब चीज़ें स्टडी मैं करता हूँ एक बार क्वांटिटेटिव ओवरव्यू लेने के लिए। फिर वैल्यू पिकर फोरम पे मैं जाता हूँ, और अगर वो कंपनी का ही थ्रेड वहाँ बना हुआ है तो उसकी पूरी हिस्ट्री मैं पूरी पढ़ता हूँ थ्रेड की, क्योंकि है ना बेसिकली ये डायनेमिक पिक्चर है, यहाँ की एक मूवी की तरह है, इसमें कुछ ना कुछ नया इवॉल्व होता रहता है। क्योंकि वो वैल्यू पिकर फोरम में भी 2019 पुराने पुराने थ्रेड जिसका आपको समझ आता है कि पहले कंपनी हाँ का रेवेन्यू इतना था, अभी इतना हो चुका है, इतने बिल्कुल ड्यूरेशन बिल्कुल में इतना बिल्कुल, हो चुका है। यस। अक्राइसिल करके कंपनी है जो मेरे पास है, वो उसका 2010 का थ्रेड बना हुआ था, उसका मार्केट कैप वॉज ओनली 53 करोड़, नाउ द मार्केट कैप इज 2000 करोड़। तो वहां से पूरा एवोल्यूशन मालूम पड़ जाता है, तो उसमें इतनी जानकारी मिल जाती है, यू विल गेट लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो वैल्यू पिकर इज द ट्रेजर ऑफ इन्फॉर्मेशन, तो करेक्ट, वहां से आपको सब चीजें मिल जाएंगी। तो यहाँ से वो आपको भी पूरी, रेडीमेड हाँ वो रेडीमेड भी मिलेगा। आपको रेडीमेड है, बिल्कुल बिल्कुल रेडीमेड है। आपको बस थोड़ा सा ये है कि आपने असेसमेंट तो करना ही पड़ता है खुद से कि क्या चीज़ें आपके काम की हैं, क्या चीज़ें आपके काम की नहीं है, तो वो चीज़ वहाँ से आपको निकालना पड़ेगा। तो स्क्रीनर हो गया, वैल्यू पिकर हो गया, तो ये फंडामेंटल के लिए देख लिया। बाकी मेरे पास कुछ और भी टूल्स हैं जो कि पेड हैं असल में, वो तो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, पहले तो मैं यूज़ नहीं करता था, तो वो तिजोरी फाइनेंस वगैरह है, तो वहाँ से और उसको रिफाइन करने के लिए असल में। लेकिन बेसिक इतना लोग कर लेंगे, स्क्रीनर क्वान्टिटेटिव के लिए, वैल्यू पिकर उसका पूरा हिस्ट्री एवोल्यूशन जानने के लिए, तो वो दो चीज़ करते हैं। तो वहाँ से अगर मुझे लगता है कि हाँ ये कंपनी इन्वेस्टेबल है, इसमें थोड़ा देखा जा सकता है और सेक्टर वगैरह ठीक है इसका,
देन आई गो टू द टेक्निकल चार्ट्स, और टेक्निकल चार्ट्स में मेरा जो एक क्या उसको बोल सकते हैं, एक टेम्पलेट होता है, वो मूविंग एवरेजेस का है, और मैं उसमें ट्राई करता हूँ कि आई ट्राई टू डू अ ड्रॉ अ चैनल, बिकॉज वॉट आई हैव ऑब्जर्व बाई इन चार्ट्स दैट एवरी एवरी स्टॉक इट्स प्राइस मूव्स इन अ डिफाइंड चैनल. गॉट इट। तो हाँ, वहाँ से मैं अपने ट्विटर पे भी हमेशा चैनल और मूविंग एवरेजेस पोस्ट करता हूँ चार्ट पे अपने. तो मैं वहाँ ट्राई करता हूँ कि भाई चैनल वगैरह अगर यहाँ बन पा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, उससे मुझे एंट्री अपनी एक मालूम पड़ जाती है कहाँ पे एंट्री करनी है. तो बेसिकली कुछ ट्रेंड लाइन का कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेंड लाइन सिंगल चैनल और एक मूविंग एवरेजेस है. तो ये दोनों चीज़ें मेरी प्राइमरी हैं. बाकी मैं एक दो चीज़ और एडवांस्ड यूज़ करता हूँ, उसको इलियट वेव थ्योरी बोलते हैं, लेकिन वो अभी यहाँ डिस्कस करने का टॉपिक नहीं क्योंकि वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है. लेकिन मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन ये बता दे रहा हूँ कि वो भी मैं यूज़ करता हूँ टू गेज द डायरेक्शन गेज करने के लिए असल में. तो ये टेक्निकल एनालिसिस का मेरा वो रहता है, एक फ्रेमवर्क रहता है जिस तरह से मैं काम करता हूँ. तो आपने बोला कि टेक्निकल एस्पेक्ट में आप मूविंग एवरेजेस को चेक करते हो, तो मूविंग एवरेजेस का एक बार डिफाइन कर सकते हो, आपकी मूविंग एवरेजेस होते क्या हैं, एक एक पर्सन के लिए जिसको कुछ नहीं पता टेक्निकल के बारे बिल्कुल में। बिल्कुल बिल्कुल. देखिए मूविंग एवरेजेस क्या होता है ना, कि कोई भी प्राइस है किसी सिक्योरिटी का, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो क्या करता है कि अपने को कन्वर्ज करता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं 50 डे मूविंग एवरेज की बात करूं, तो वो क्या करता है कि लास्ट 50 डेज का एक प्राइस का एवरेज निकाल करके, जैसे आज मान लीजिए आज 50th है, तो 49, 48, अप टू फर्स्ट, तो 1 से लेके 50 तक का प्राइस का एवरेज लेगा और उसका एक लाइन ड्रॉ कर देगा. तो बेसिकली क्या ना, वो एक मैथमेटिक्स है कि हाँ जो भी प्राइस प्राइस होगा वो मूविंग एवरेज जो है अपना प्राइस का, तो वो उस मैथमेटिकल एवरेज को रेस्पेक्ट करता है. दैट इज ऑब्जर्वेशन. टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है ना कि हर चीज ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है, कि ये चीज लोगों ने करके देखी, 50 डे मूविंग एवरेज को ऑब्जर्व किया तो मालूम पड़ा कि 50 डे मूविंग एवरेज काफी इंपॉर्टेंट है. ये 50 डे कहाँ से आया, ये 50 नंबर कहाँ से आया, ये ऑब्जर्वेशन से आया है, ये लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए हैं कि मालूम पड़ा कि अच्छा 50 डे ये होता है, 100 डे ये होता है. कुछ लोग 63 यूज, मैं जैसे 63 यूज करता हूँ. 63 क्यों यूज करते हैं, क्योंकि 21 × 3 एक क्वार्टर 63 डेज होता है, 21 × 3 तो 1 क्वार्टर मतलब 63 हो गया, और 50 क्या वो कॉमनली यूज होता है. तो लोगों ने ऑब्जर्वेशन करके किया है. तो फिर हम इसको अगर मान लीजिए इसी मूविंग एवरेज को 1000 चार्ट पे अगर हम देखें, इफ यू ट्राई टू ऑब्जर्व द मूविंग एवरेजेस हाँ थाउजेंड्स ऑफ चार्ट, तो मालूम पड़ता है अच्छा ये चीजें तो रेस्पेक्ट हो रही है, ये मूविंग एवरेज. तो जिसमें जितने भी इंडिकेटर आपने बने ना, तो वो सब मैथमेटिकल डेरिवेशन से बने हुए हैं, उसके पीछे एक मैथमेटिक्स है. RSI है, चाहे मूविंग एवरेज है, या कोई भी MACD है, बहुत सारे इंडिकेटर यूज करते हैं, तो वो उसके पीछे एक मैथमेटिक्स है. तो वो मैथमेटिकल ऑब्जर्वेशन के हिसाब से चीजें बनाई हुई है. फिर मूविंग एवरेज में भी दो तीन प्रकार के मूविंग एवरेज होते हैं, देयर आर टू टू थ्री टाइप्स. सिंपल मूविंग एवरेज होता है जिसमें एक सिंपल एवरेज ले लिया जाता है, एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है जो मैं यूज करता हूँ, क्योंकि वो क्या करता है कि लेटेस्ट प्राइस एक्शन को, प्राइस हिस्ट्री को ज्यादा वेट देता है. क्योंकि हो सकता है आज के 50 डे पहले कंडीशन कुछ अलग हो प्राइस की, और अभी लेटेस्ट में, क्योंकि वो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन को डिस्काउंट कर रहा है, मार्केट इज अ डिस्काउंटिंग मशीन, तो लेटेस्ट जो प्राइस है उसको वो ज़्यादा डिस्काउंट करेगा, और जो पहले हो चुका है उसको कम डिस्काउंट करेगा. इसलिए एक्सपोनेंशियल मैं यूज़ करता हूँ, बिकॉज दैट इज मोर सेंसिटिव टू चेंजेस इन प्राइस, तो एक्सपोनेंशियल मैं यूज़ करता हूँ. तो ये एक बेसिक डेफिनेशन हो गई मूविंग एवरेजेस की. गॉट इट गॉट इट। आई थिंक सो ये डेफिनेशन बार समझ आ गया होगा सबको कि मूविंग एवरेज क्या होता है। एक और एक ऐसा पॉइंट कि मूविंग एवरेज एक हो गया एक इंडिकेटर, ऐसे हजारों इंडिकेटर्स हैं करंटली, तो उनमें से इन्वेस्टर को कितने ट्रैक करने चाहिए करंटली कि 2 हो गए, 3 हो गए, 1 हो गए, कि ट्रैक ही नहीं करना चाहिए, उसके बारे में आपको क्या बोलना चाहिए? देखिए अगर कोई इन्वेस्टर है तो वैसे तो इंडिकेटर बहुत सारे हैं, लेकिन मैं एक तो है कि भाई मूविंग एवरेज आप ज़रूर ट्रैक करें, क्योंकि बहुत ही बेसिक अगर इंडिकेटर है, उसमें ज़्यादा कुछ अपने को इंटरप्रिटेशन भी करने की जरूरत नहीं. बहुत सारे इंडिकेटर ऐसे हैं जहाँ पर आपको इंटरप्रिटेशन करना पड़ता है, RSI है या हाँ रिलेटिव स्ट्रेंथ है, MACD है, मोमेंटम इंडिकेटर्स हैं, तो उसमें आपको इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा विद प्राइस एक्शन. मूविंग एवरेज में क्या है, आपको बहुत ज़्यादा इंटरप्रिटेशन करने की जरूरत नहीं है. मूविंग एवरेज के पास आया प्राइस, आपने उसको ऐड कर लिया. गॉट इट। बेसिकली आपको जब बाय एडिशनल बाय करना गॉट है, तो आपने रूल बना लिया कि जब ये 50 डे मार टच करेगा तो मैं इसको बाय कर लूंगा, और इट मेरे को फंडामेंटल कन्विक्शन है तो मैं उसको बाय कर लूंगा. तो बहुत गॉट ही इट। जो सिंपल है. फंडामेंटल में जैसे पैरामीटर्स होते हैं कि आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन
30 के ऊपर चाहिए। वैसे यहाँ पे पैरामीटर्स होते हैं कि आपका 50 डे मूविंग एवरेज इतना इतने से ऊपर होना चाहिए, तो फिर मैं बाय करूंगा, राइट? हाँ तो बिल्कुल, वो मतलब उसका कोई ऐसा वैसा पैरामीटर नहीं कि 50 डे मूविंग एवरेज को कोई वैल्यू है। बेसिकली बस ये कि प्राइस अगर 50 डे मूविंग एवरेज को टच कर रहा है, या जो भी आप मूविंग एवरेज यूज़ कर रहे हैं उसको अगर वो टच कर रहा है तो मैं उसको बाय कर लूँगा। ये इन्वेस्टर के लिए है जिसको रीजनेबल फंडामेंटल कन्विक्शन है। हो सकता है 50 डे मूविंग एवरेज से नीचे भी चला जाए, अगर मार्केट लॉजिक करेक्शन आ गया तो वो नीचे भी जा सकता है। तो उस कंडीशन में फिर आपको अलग थ्योरी लगानी पड़ेगी कि अब मुझे क्या करना चाहिए, फिर वो बाकी प्राइस एक्शन का चीज़ आ जाएगा। लेकिन आपको अगर कुछ भी नहीं करना है तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है तो आप ये चीज़ कंटिन्यू करिए, क्योंकि प्राइस है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मैंने कहा ना मूविंग एवरेज पे कन्वर्ट करता है तो वो होना ही होना है। गॉट इट सर। सो एक और एक पॉइंट है सर कि स्क्रीनिंग क्राइटेरिया सबको फंडामेंटल्स में पता होता है कैसे करते हैं, स्क्रीनिंग टेक्निकल्स में कैसे करते हैं, वो भी एक एस्पेक्ट है, उसे भी बता दीजिए आप। सॉरी, तो टेक्निकल में स्क्रीनिंग से मैं समझ रहा हूँ कि आप बताना चाह रहे हैं कि पूछना चाह रहे हैं कि स्टॉक्स को किसी फिक्स पैरामीटर पर कैसे हम स्क्रीन करें करेक्ट कि ये करेक्ट स्टॉक करेक्ट 50 डे मार्क के ऊपर चल रहा है या ये हाँ स्टॉक हाँ करेक्ट ब्रेकआउट आ रहा है। एब्सोल्युटली अच्छा, तो उसमें क्या है ना कि बहुत सारे टेक्निकल स्क्रीनर्स तो मार्केट में अवेलेबल हैं ही। अलग अलग वेबसाइट्स हैं, मार्केट स्मिथ इंडिया करके एक वेबसाइट, अच्छी वेबसाइट है वो, चार्ट लिंक भी है, ट्रेडिंग व्यू भी है। तो वहाँ पर लोगों ने एक स्क्रीनर बना रखे हैं अपने से, पहले से टेम्पलेट बना रखा है। तो वहाँ जैसे कोडिंग अपन करते हैं ना, तो वैसे ही वहाँ पर लोगों ने एक फंडामेंटल टेक्निकल स्क्रीनिंग के लिए क्राइटेरिया बना रखे हैं कि ये ब्रेकआउट आएगा इस तरह से, वीकली ब्रेकआउट आ रहा है या मूविंग एवरेज के ऊपर है, या इस तरह का कुछ बेस फॉर्मेशन चीज़ें हो रही हैं। तो इस तरह के स्क्रीनर बहुत सारे बने हुए हैं। तो मार्केट्स विथ इंडिया एक अच्छी वेबसाइट है, जहाँ से मैंने एक पे थ्रेड भी लिखा हुआ है, मेरे ट्विटर पे प्रोफाइल पे भी है वो, कि कैसे उसको स्क्रीनिंग करना है। तो बड़ा आसान तरीका है वो। तो वहाँ से अगर आप स्क्रीनिंग करेंगे, बहुत सारे क्राइटेरिया वहाँ पर दिए हुए हैं, तो वहाँ से स्क्रीनिंग करने के बाद आप वहाँ आपको नाम मिल जाएंगे स्टॉक्स के। फिर जब नाम आपको मिल जाएंगे स्टॉक्स के, तो फिर आप इंडिविजुअल चार्ट आप देख सकते हैं सभी का। इंडिविजुअल चार्ट देख के आप उसको स्टडी कर सकते हैं कि आपको कौन सा ठीक लग रहा है, आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से कौन सा स्टॉक आपको लेना चाहिए। गॉट इट सर। फिर टेक्निकल एनालिसिस जब करता है को इसी कंपनी के और चार्ट देखते हो तो उसमें रेड फ्लैग्स कौन से होते हैं जो देख के इन्वेस्टर को समझ जाना चाहिए कि इस स्टॉक में तो मुझे एंटर नहीं करना या बाय नहीं करना। जैसे फंडामेंटल्स में कुछ रेड फ्लैग होते हैं कि डेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल, प्रमोटर करेक्ट करेक्ट। प्लेजिंग नहीं होनी चाहिए, तो टेक्निकल में कैसा होता है वो? टेक्निकल में देखिए दो मैं बेसिक चीज बता दे रहा हूँ कि अगर ये चीजें हैं तो इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम चल रही है। चार्ट जो बता देगा प्राइस एक्शन, पहला करेक्ट तो ये है कि ओवरऑल चार्ट हायर हाई हायर लो बना रहा है या लोअर हाई लोअर लो बना रहा है, जिसको हम बेसिक डाउ थ्योरी बोलते हैं गॉट इट टेक्निकल एनालिसिस में। डाउ थ्योरी, हायर हाई हायर लो, लोअर हाई लोअर लो। तो अगर स्टॉक हायर हाई, जैसे कोई इन्वेस्टर है तो उसको वीकली चार्ट देखना चाहिए मेरे ख्याल से। तो डेली चार्ट में बहुत सारा नॉइज रहता है, तो कोई अगर मीडियम टर्म इन्वेस्टर है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो वीकली चार्ट अगर देखे, वीकली टाइम पे जहाँ एक कैंडल एक वीक रिप्रेजेंट करेगा, तो अगर वो उसको देखना पड़ेगा कि हर कैंडल का हाई प्रीवियस कैंडल के हाई से ऊपर बन रहा है और लो जो है वो भी ऊपर बन रहा है, तो उसको बोलेंगे हायर हाई हायर लो। दैट इज बेसिक डाउ थ्योरी। तो गॉट इट ये चीज़ देखनी चाहिए एक तो, अगर वो हायर हाई हायर लो लगातार बना रहा है तो फिर तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बुलिश स्ट्रक्चर है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अगर लोअर हाई लोअर लो बना रहा है 2-3 वीक से लगातार, हो सकता है 1-2 वीक बन सकता है, लेकिन अगर 2-3-4 वीक हो गया लगातार लोअर हाई लोअर लो बन रहा है और उसमें कोई स्विंग ब्रेक हो रहा है, जैसे आप चार्ट देखते हैं ना तो उसमें जिगजैग मूवमेंट होता है ऐसे करके, एक मूवमेंट हुआ ये स्विंग बना, ये लोअर स्विंग बना, फिर हायर स्विंग बना, तो करेक्ट स्विंग अगर ब्रेक हो रहा है, हायर हायर स्विंग ब्रेक हो रहा है, फिर वो नीचे की तरफ आ रहा है, फिर अगला स्विंग भी ब्रेक हो रहा है, तो फिर वो चार्ट स्ट्रक्चर वीक हो जाता है। ओके गॉट ये इट तो हो गया डाउ थ्योरी, हायर हाई हायर लो और स्विंग वाला। दूसरा एक मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम 200 डे बोलते हैं। 200 डे में आपसे क्या होता है, 200 डे मूविंग एवरेज, करेक्ट तो वो डेली चार्ट होता है, डेली मूविंग एवरेज है ना, तो वो 200 डे बोलते हैं, इसलिए डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 200 डे का। अगर प्राइस उसके नीचे चला जाता है तो असल में फिर बियरिश सेटअप्स में आने लग जाएगा। जैसे आपने बोला ना मुझे कि आप स्कैनिंग कैसे करते हैं, तो जब आप मान लीजिए 200 डे मार्क के नीचे के कौन कौन से स्टॉक हैं, अगर आपने स्क्रीन किया तो वो स्टॉक आ जाएगा लिस्ट पे। तो वो किसके लिस्ट पे आएगा, जो लोग सोच रहे हैं कि प्राइस को शॉर्ट करना है, जिसको हम बोलते हैं कि शॉर्टिंग होती है मार्केट में, जब प्राइस जो नीचे जाता है तो उनको प्रॉफिट होता है। शॉर्टिंग मतलब ऊपर के प्राइस पे बेचना और नीचे के प्राइस पे खरीदना, राइट?
करके असल में शॉर्ट किया जाता है, तो वो उस स्क्रीनर में आ जाएगा। तो 200 मूविंग एवरेज एक तो साइकोलॉजिकल भी होता है कि भाई ऑब्जर्वेशन से इतना ऑब्जर्वेशन हुआ है मार्केट में कि 200 मूविंग एवरेज के नीचे अगर कोई स्टॉक चला जाता है तो वो बियरिश हो जाता है, तो गॉट सबकी साइकोलॉजी वो बात आ जाएगी कि ये स्टॉक तो बियरिश हो रहा है। असल में मार्केट क्या साइकोलॉजी है, क्राउड बिहेवियर ना, डिमांड सप्लाई क्राउड बिहेवियर, एवरीथिंग इज क्राउड बिहेवियर। तो वो 200 डेमा के नीचे अगर स्टॉक है तो उसमें फिर आपको समझना चाहिए कि ये स्ट्रक्चर इसका बियरिश हो रखा है इस समय, तो उसमें थोड़ा सा अपने को अवॉइड करना चाहिए कि यहाँ कोई नई बाइंग ना करे अनटिल अनलेस कि आपको भी फंडामेंटली बहुत ही कन्विक्शन है कि ये मुझे तो गॉट बार्गेन प्राइस मिल रहा है, तब तो कोई बात ही नहीं, फिर तो बार्गेन प्राइस मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल लॉरस लैब्स, कोई करेक्ट। रिकमेंडेशन नहीं लेकिन अपन इन्फॉर्मेशन एक चर्चा करने के लिए हाँ करेक्ट करेक्ट। बता रहे हैं, इस पॉडकास्ट में बता जो रहे भी हैं। स्टॉक का नाम लिया जाएगा वो रेकमेंडेशन नहीं है, हम दोनों स्टेबिलाइजर नहीं है, तो आप आपकी हाँ रिसर्च तो करके कुछ करिए। करेक्ट करेक्ट, तो लॉरस लैब्स था तो भाई जिनको फंडामेंटल कन्विक्शन बहुत अच्छा होगा तो वो तो जरूर ही बाय करेंगे, उनको बार्गेन प्राइस मिल रहा है। और लेकिन जो लोग टेक्निकल्स को थोड़ा देख रहे हैं, तो जैसे मैंने बाय किया था 200 डेमा के नीचे था तो मैंने बाय किया था, तो लेकिन बस वो था एक एक मेरी मिस्टेक भी हो गई थी कुछ दिन पहले कि मैंने उसको सेल कर दिया, और जहां से मैंने सेल किया फिर वहीं से ऊपर चला गया वो तो गॉट ऐसा भी हो इट। जाता है, तो आई थिंक ये सब सबके साथ चीजें होता है कि होती है जब मार्केट सेल में। करते हो हाँ हाँ तब ऊपर बहुत जाया बहुत जाता बहुत बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। है। करेक्ट। तो मार्केट प्लेस इज, मार्केट इज अ प्लेस ऑफ रिग्रेट्स, आप कुछ भी करेंगे आपको रिग्रेट होगा, तो बेच दिया ऊपर चला गया रिग्रेट हो गया, खरीदे नीचे आ गया रिग्रेट हो गया, तो वो करेक्ट लगा करेक्ट रहता है मार्केट। करेक्ट ये दो करेक्ट चीजें हैं, डाउ थ्योरी और 200 डेमा, ये तो बेसिक आप देख लीजिए, तो करेक्ट। वो है ना। ये डेली पे, अगर आप वीकली पे जा रहे हैं तो 200 को 5 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि एक वीक में 5 डेज होता है, तो 200 डिवाइड बाई 5 मतलब 40 आ गया। तो जब आप वीकली पे देखेंगे तो आप उसको 40 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे, डेली से वीकली पे गए तो मैथमेटिक्स से 200 का 40 हो जाएगा डिवाइड बाई 5 बराबर, गॉट इट तो 40 हो गया, तो आपने 40 देखना है वीकली देखने। तो गॉट इट गॉट इट। सर एक और, एक आपने अभी मिस्टेक आपकी बताई कि लॉरस लैब में आपकी मिस्टेक हो गई, तो आपकी सबसे बिगेस्ट मिस्टेक क्या थी अभी तक की पूरे फाइनेंशियल आपके एक्सपीरियंस में मार्केट की, जिससे मेरी आपने, सबसे जिससे जो, आपने बहुत ज़्यादा सीखा, बहुत ज़्यादा लर्निंग मिली हाँ हाँ आपको? वो बेयर मार्केट में सीखते हैं, हालांकि हाँ लर्निंग सारी बेयर मार्केट में होती है, अर्निंग बुल मार्केट में होती है। हाँ तो जब 2018 का बेयर मार्केट स्टार्ट हुआ तब तो है, जब होता है ना व्हेन बेयर मार्केट स्टार्ट ना, तो वी डोंट दैट इट इज बेयर मार्केट, वो नहीं पड़ता है, बिकॉज एट द यूफोरिया जब एंड होता है बुल मार्केट ना, तो क्या होता है बाय ऑन डिप्स का आदत लगा होता है सबको कि नीचे जाएगा तो खरीदना ही है, फिर तो ऊपर ही चला जाएगा, गॉट पर फिर इट। वो ऊपर आता नहीं है, तो वो बेयर मार्केट का मिडिल में मालूम पड़ता है कि ये तो बेयर मार्केट हो गया इसका, तब तक सब चीज हो चुकी होती है। तो एक स्टॉक था शिवा मोटो करके है, शिवा मोटो टेक, तो वो टर्न अराउंड स्टोरी में उसमें प्ले कर रहा था। टर्न अराउंड मतलब कि कोई कंपनी लॉस में चल रही है तो वो जब वो टर्न अराउंड प्रॉफिट में, मतलब एक तो एक कंपनी एकदम खराब चल रही है तो एकदम उसे टर्न हो जाएगी वो कंपनी और ऊपर हाँ चले, अच्छा हाँ परफॉर्म करने लग जाएगी। अच्छा कहने के सीजी पावर एक कंपनी थी उसमें में टर्न अराउंड हुआ था, तो इस तरह का एक शिवा मोटो करके कंपनी थी, तो वो मैंने खरीदा था उसको मतलब एट द पीक 2017 के, जब वो बुल मार्केट एंड हो रहा था, तब तो खैर मालूम नहीं पड़ता बुल मार्केट एंड होने वाला है, तो पता के थोड़ी एंड होता है। तो हाँ वो एक तो बेयर मार्केट स्टार्ट हो गया, दूसरा फिर उसमें वो टर्न डाउन हुआ भी नहीं क्योंकि फिर ऑटो साइकिल भी रिवर्स हो गया 18 में, ओके 18 19 अभी भी ऑटो में प्रॉब्लम चल रही है कुछ ना कुछ, तो लेकिन तब वो तब अच्छा चल रहा था और आपने खरीदा जब प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई ऑटो हाँ सेक्टर। अच्छा गॉट इट। तो डबल वैमी हो गया कि द ऑटो ऑटो साइकिल गॉट डिसरप्टेड, द बेयर और मार्केट बेयर मार्केट स्टार्टेड। स्टार्ट हो गया तो दोनों चीज प्रॉब्लम। फिर जब वो आधा, जब वो 50% माइनस हो गया, -50%। अच्छा उसमें मुझे, मैंने बताने इलियट वेव करके कॉन्सेप्ट मैंने अभी सीख लिया, लेकिन उस समय मुझे नहीं आता था, तो काश उस समय मुझे आता होता तो मैं थोड़ा पहले निकल जाता, ओके 10-20% के लॉस पे हो सकता निकल गया होता, या मुझे टेक्निकल एनालिसिस और अच्छे से आता, जितना भी अच्छा आता है उस समय, अगर मुझे उतनी एक्सपर्टीज होती तो मैं उस समय हो सकता है पहले निकल जाता। अब लेकिन मैं उसमें वेट करता है कि बोलते हैं होप स्टोरी, तो होप में पड़ गया, तो मार्केट में होप कभी काम नहीं करता है, मार्केट सिर्फ अर्निंग्स काम करता है, या सेंटीमेंट अगर नेगेटिव होगा तो फिर आप तो फिर तो कोई बचा नहीं पाएगा। तो वो शिवा मोटो से लर्निंग थी कि कभी भी होप में नहीं रहना है अपने को, और लॉसेस को ज़्यादा ज़्यादा कट करना है, अगर आप लॉसेस जल्दी कट कर लेंगे, इफ़ यू कट योर लॉसेस वेरी फास्ट तो यू विल अल्टीमेटली विन इन द मार्केट, तो लॉसेस कट करेंगे तो विन अपने आप हो जाएगा। तो गॉट इट। वो बेयर मार्केट में लर्निंग थी, तो ठीक है वो 2 साल काफी लर्निंग के बीते, 18 19 पूरा लर्निंग का ही टाइम था।
ये वहां पे लर्निंग मुझे मिली। डॉट इट, तो आपका 2018-19 में लर्निंग थी कि होप पे मत रहिए किसी स्टॉक के, और हाँ, हो अपने में मत रहिए, बिल्कुल। टर्न अराउंड स्टोरी इतनी आसान नहीं होती है जितनी दिखती है, उतनी होती नहीं है। वो हीरो ग्रुप की कंपनी थी तो मुझे कॉन्फिडेंस था हीरो ग्रुप पे, लेकिन उससे भी कोई ज्यादा फर्क पड़ा नहीं। तो क्योंकि सब कंपनी अपनी इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर रही है, भले ग्रुप उनका हीरो का है, लेकिन फिर भी करेक्ट करेक्ट इंडिविजुअल कंपनी का अपना अपना एक पोटेंशियल होता है। तो ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी जो मैं अब अगले बेयर मार्केट के लिए याद रखूंगा करेक्ट। जब कभी आए। मैं तो नहीं कहूंगा बेयर मार्केट आए, लेकिन आएगा तो जरूरी, क्योंकि कैपिटल साइकिल ऐसे ही वर्क करता है, बुल के बाद बेयर आना जरूरी है, वरना अगला बुल कैसे आएगा फिर। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो आपके ट्विटर प्रोफाइल पे आप बहुत ज्यादा ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी शेयर करते हो, तो ब्रोकरेज रिपोर्ट हाँ भी एक बहुत ज्यादा मतलब ज्यादा इग्नोर्ड इंफॉर्मेशन सेगमेंट होता है जो बहुत ज्यादा लोग एनालाइज नहीं करते। तो ब्रोकरेज रिपोर्ट क्या होता है, कौन बनाता है, और उसे रीड अच्छे से कैसे करना है बिना वो बाय सेल का वो रिकमेंडेशन देख के, उसके बारे में करेक्ट कैसे? करेक्ट करेक्ट। अच्छा, द मेरा जो प्राइमरी मोटिव था ना कि व्हाई डू आई शेयर सो मच ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, उसका एक रीजन क्या है जय, कि देर इज अ इंफॉर्मेशन एसिमेट्री इन द मार्केट। एवरी वन इज नॉट इक्वल, इंस्टीट्यूशन आर ऑन द अदर नोट, रिटेल इज ऑन द अदर नोट। करेक्ट जितनी जानकारी इंस्टीट्यूशन के पास है उतनी इंफॉर्मेशन रिटेल के पास नहीं है। करेक्ट इंस्टीट्यूशन जो है वो मैनेजमेंट से मिल सकते हैं, दे कैन डू वन टू वन मीटिंग, उनको सब इन्फॉर्मेशन हो जाती है पहले से, रिटेल को बाद मालूम पड़ता है। करेक्ट। या रिटेल को इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो रिटेल एम्पावर्ड हो जाएगा। हाँ हमको क्या चाहिए, एक इन्फॉर्मड एंड एम्पावर्ड रिटेल इन्वेस्टर इन इंडिया। करेक्ट तो मेरा मोटिव यही है शेयर करने का। मैं बहुत सारी फॉरेन ब्रोकरेज की रिपोर्ट या डोमेस्टिक रिपोर्ट शेयर करता हूँ लगातार, उनका जो समरी पेज होता है, तो इसलिए शेयर करता हूँ। आपको ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में होती हैं वो आपको हो सकता है बाकी जगह ना मिले, क्योंकि करेक्ट। वो वन टू वन मीटिंग करते हैं। आपको एक हाँ कंसोलिडेटेड वे में, एक कंसोलिडेटेड वे में, एक दो पेज में आपको पूरी समरी मालूम पड़ जाती है कि क्या करेक्ट उसमें क्या अपडेट चल रहा है। उसमें कभी भी ब्रोकरेज रिपोर्ट शेयर करता हूँ तो आई नेवर शेयर व्हाट इज द टारगेट गिवन। करेक्ट आई नेवर शेयर दैट इट इज अ बाय रिपोर्ट, इट इज अ सेल रिपोर्ट, ये टारगेट इतना इतना दिया। टारगेट क्या कर रहा है, टारगेट तो आप निकालोगे ना। आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी है उस रिपोर्ट से ज्यादा। हाँ, टारगेट निकालने के जो टेक्निकल एनालिसिस सीखे हैं भाई, टेक्नो फंडा इसलिए है ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस का मतलब कि वहां से टारगेट निकलेगा। या फंडामेंटल कर रहे हैं तो आपको ईपीएस, ईवी टू एबिटा, प्राइस टू सेल्स, जो भी आपका वैल्यूएशन पैरामीटर है वहां से आप टारगेट निकालो। आप इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है तो आप ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में बहुत सारी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन वहाँ होती है। और कुछ कुछ तो ऐसी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं जहाँ पर आपको काफी डिटेल में, मतलब देयर आर 50, 60, 100 पेजेस आल्सो, करेक्ट स्पार्क कैपिटल, बी एंड के सिक्योरिटीज, एम्बिट कैपिटल, दे हैव वेरी वेरी गुड रिपोर्ट्स। उसमें आपको सिर्फ कंपनी के बारे में नहीं, उसमें आपको इंडस्ट्री के बारे में मालूम पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर वॉज अ रिपोर्ट ऑफ एम्बिट कैपिटल ऑन दीपक नाइट्राइट, सो दे गेव अ होल इन्फॉर्मेशन अबाउट फिनॉल इंडस्ट्री, उसकी एप्लीकेशन क्या है, वॉट आर इट डाउन स्ट्रीम प्रोडक्ट्स। तो ये सब चीज अगर रिटेल को मालूम पड़ेगा तो दे विल टेक मोर इन्फॉर्म डिसीजन। तो मेरा मोटिव ये रहता है कि आप ज़्यादा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लोगों को मालूम पड़े, तो इसलिए मैं उसमें शेयर करता हूँ। और उसमें कभी भी टारगेट प्राइस क्या दिया हुआ है या उसमें बाय सेल है क्या है, कुछ भी है, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है। इम्पोर्टेंट होता है कि उसमें क्या पैरामीटर्स दिए हुए हैं, क्या अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन हैं कंपनी की ब्रोकरेज की तरफ से, क्या उनकी रेवेन्यू गाइडेंस क्या आ रही है या प्रॉफिट मार्जिन गाइडेंस क्या आ रहा है। तो वो आप एक बार देखिए और उसको आप रियलिटी से मैच कीजिए। कई बार क्या होता है, नैरेटिव भी चलता है ना बहुत ज़्यादा, करेक्ट कुछ रिपोर्ट्स आर अल्टीमेटली हमेशा बुलिश हैं वो, जब बुल मार्केट चलता है। तो एक बार आपको वो भी देखना चाहिए, नैरेटिव तो नहीं बन रहा कहीं कुछ। तो इसलिए ज़्यादा ज़्यादा मैं शेयर करता हूँ, जिससे कि इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री दूर हो जाए, कोशिश है मेरी दूर करने की। करेक्ट। और आप बहुत सक्सेसफुल भी हो सर उन कोशिशों को पूरा करने में। तो मैं बिल्कुल, जहाँ से समराइज मेरे करने सोर्सेज जाऊँ, होते हैं मैं पूछ लेता हूँ, मतलब जहाँ से मेरे सोर्सेज होते हैं मैंने वो बता रखी कि मैं कहाँ से लेता हूँ हाँ रिपोर्ट्स, आपके पिन वहां से पिन वहां भी आपके आप। पिन ट्वीट में आपने हाँ बताया कि कहाँ से रिसर्च रिपोर्ट लेते हो आप, हाँ तो कहाँ से अगर रिपोर्ट्स हैं, उसको आप पर्सनल पर्सनल यूज के लिए यूज कीजिए, उसका कोई कमर्शियल यूज मत कीजिए, क्योंकि वो फिर ठीक बात नहीं होती है। उसको करेक्ट पर्सनल यूज कीजिए इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, उसका कोई कमर्शियल यूज ना कीजिए। करेक्ट करेक्ट। तो अगर ट्विटर हैंडल भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी जाके चेक कीजिए, उसके उसमें पिन ट्वीट में सर ने दिया है लिंक्स रिसर्च रिपोर्ट कहाँ से लेते हैं सर उसका। तो सर समराइज कर देता हूँ मैं आपके सेंटेंस को कि इंस्टीट्यूशन के पास थोड़ा सा एज होता है इन्वेस्टर्स के बाहर, क्योंकि वो मैनेजमेंट से वन टू वन मीटिंग कर सकते हैं इसीलिए, और वो जो इन्फॉर्मेशन होती है उनकी वो रिसर्च रिपोर्ट्स में समराइज फॉर्मेट में हमें मिलता है इसीलिए उन्हें पढ़ना चाहिए, और टारगेट पे ज़्यादा ध्यान ही नहीं देना चाहिए। टारगेट पे आपको इन्फॉर्मेशन सीकर बनना चाहिए, ना कि वो बाय सेल का
ध्यान देना चाहिए। करेक्ट 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 करेक्ट। तो सर यहाँ मेरे क्वेश्चन एंड हुए। अभी हम ट्विटर से हमने क्वेश्चंस ट्विटर पे भी क्वेश्चंस आए, बहुत सारा आया, उनको एड्रेस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है सर अक्षत इन्वेस्टर एट द रेट अक्षत इन्वेस्टर सर का। बहुत बहुत इंटेलिजेंट है अक्षत इन्वेस्टर सर, उनको आप फॉलो कीजिए। बहुत ज़्यादा मैं फॉलो करता अंडर हूँ, मैं फॉलो करता हूँ। आई नो अक्षत, आई नो अक्षत, ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट बहुत मैन। बहुत अंडर रेटेड भी है वो। बहुत उन्हें ज़्यादा लोग फॉलो नहीं करते, बहुत कम फॉलोअर्स हैं उनके, उन्हें जाके फॉलो कीजिए। तो उनका क्वेश्चन है कि व्हाट आर द टॉप 3 और 4 टेक्निकल पैरामीटर्स अ फंडामेंटल इन्वेस्टर शुड फोकस ऑन फॉर डिसीजन पॉइंट्स लाइक बाय सेल और एड ऑन बाय एंड सेल। थैंक यू। अच्छा तो हाँ, तो हमने दो पैरामीटर तो हमने डिस्कस कर लिया था पहले ही, कि एक तो वो डाउ थ्योरी वाला जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, करेक्ट हायर हाई हायर लो और लोअर हाई लोअर लो वाला, तो करेक्ट। वो तो एक पैरामीटर वो हो गया। एक मूविंग एवरेज हाँ का पैरामीटर मैंने बता दिया कि इट शुड बी अबव 200 डे मूविंग एवरेज, और जो वीकली पे तो 40 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 50 और 63 डेली मूविंग एवरेज। फॉर डेली चार्ट में अगर देखें तो वो 50 और 63 हो जाएगा, तो उसमें और मालूम पड़ जाता आपको कि इसका तो स्ट्रक्चर एक मीडियम टर्म परस्पेक्टिव से बुलिश चल रहा है। तो ये पैरामीटर हो गया। अच्छा एक और, उन्हें तीन चार पैरामीटर पूछे, एक मैं पैरामीटर आप बता देता हूँ टेक्निकल में, कि आप वॉल्यूम कहीं उसको जरूर देखें, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है ना, वो आपको एक्टिविटी बता रहा है। एक तो प्राइस हो गया, दूसरा देर इज अ सेकेंडरी थिंग इन चार्ज विच इज वॉल्यूम, तो दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी हेल्पफुल कि जब प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो वो किस वॉल्यूम के साथ इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज इन वॉल्यूम एक्टिविटी अलॉन्ग विथ प्राइस, वो एक बुलिशनेस का साइन होता है। ट्रांजेक्शन तो वॉल्यूम राइट। हाँ, प्राइस वॉल्यूम एक्शन उसी को पूरा बोलते हैं। और अगर स्टॉक में कोई ब्रेकडाउन आ रहा है, प्राइस डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम भी हाई है, तो आपको थोड़ा कॉशियस हो जाना चाहिए कि हो सकता है कि बिग गाइज आर सेलिंग, स्मार्ट मनी इज एग्जिटिंग, तो इस तरह का कुछ चीज़ हो सकती है। आप किसी भी ब्रेकडाउन का चार्ट देखेंगे, जब लॉरस लैब्स में पिछली बार ब्रेकडाउन हुआ था, या और भी सीक्वेंट साइंटिफिक वगैरह में हुआ था, या और भी चार्ट से बहुत सारे, तो उसमें आप देखेंगे उसमें वॉल्यूम एक्टिविटी सिग्निफिकेंटली बढ़ जाती है। तो वो इसलिए बढ़ती है क्योंकि लार्ज स्केल सेलिंग हो रही है, सप्लाई ज्यादा है, सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, अल्टीमेटली प्राइस विल गो डाउन। तो आप वॉल्यूम एक्टिविटी भी देखें, और कई बार ऐसा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राइस एक रेंज में रहता है, द प्राइस रिमेंस इन अ रेंज एंड वॉल्यूम एक्टिविटी इज लो एंड समटाइम्स इट गेट हाई। वॉल्यूम एक्टिविटी कई बढ़ जाती है लेकिन प्राइस उतना ही रहता है, गॉट दैट इट। इज एक्यूमुलेशन, दैट इज एक्यूमुलेशन। ओके गॉट इट। वो हाँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर होता है। वो राजरतन में भी हो रहा था कुछ दिन पहले, एक्साइसिली बहुत पहले, जब वो 300 350 रुपए का उसका प्राइस हुआ करता था, तो उसमें एक्यूमुलेशन एक्टिविटी चल रही थी। एक्यूमुलेशन के में क्या होता है ना कि वो प्राइस को बढ़ने नहीं देते हैं। अगर ओके प्राइस बढ़ जाएगा तो दे विल नॉट बी एबल टू एक्यूमुलेट एट लोअर प्राइस, फिर तो ओके प्राइस गॉट ऊपर जाएगा। तो इट। वो हाँ इसे करते हैं, वो प्राइस कॉन्स्टेंट एक जगह रहता है और वॉल्यूम एक्टिविटी थोड़ी थोड़ी बीच में बढ़ती रहती है, फिर एकदम से कम हो जाएगी। वो दे बाय इन ट्रांचेस, ओके वो पार्ट्स में बाय करते हैं और एक्यूमुलेट करते हैं। तो तो वॉल्यूम ये में तो कुछ एक्टिविटी होती रहती है, बट प्राइस एक एक रेंज में होता है कि 10 20 उस रेंज में प्राइस मूव होता रहता है, लेकिन वॉल्यूम में ग्रोथ होती रहती है, उसे एक्यूमुलेशन पीरियड कहते हैं राइट। हाँ, एक्यूमुलेशन पीरियड कहते हैं वो, टाइम टू टाइम ऐसा लगातार ग्रोथ नहीं मिलेगा वॉल्यूम में, बीच बीच में मिलेगा आपको, हर एक दो वीक में कुछ वॉल्यूम एक्टिविटी उसमें नजर आएगी, कुछ हो रही है, स्मार्ट मनी एक्यूमुलेट कर रहा है, तो इस तरह से चीजें उसमें देखनी चाहिए। ये बेसिक आप देख लेंगे, इतना बेसिक आप कर लेंगे तो आपको एक फेयर आइडिया लग जाएगा। गॉट इट गॉट इट। आई थिंक आपने बहुत अच्छा आंसर किया अक्षय सर का इन्वेस्टर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेखर एट द रेट लर्निंग11 से। वो पूछते हैं कि उनके 2 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है उनका, व्हाट आर द टॉप 3 लर्निंग्स इन बुल मार्केट। आपने बेयर मार्केट का बोला, बुल मार्केट का हाँ, बेयर बोला। मार्केट का बता दिया, हाँ बेयर मार्केट का बता दिए। तो बुल मार्केट का मैं लर्निंग्स बता देता हूँ। बुल मार्केट मैंने दो में पार्टिसिपेट, एक तो 16-17 वाला पार्टिसिपेट किया और ये तो चल ही रहा है। तो हाँ बुल मार्केट में अभी लर्निंग जो है ना, तीन लर्निंग मैं बता देता हूँ। एक तो ये है कि नैरेटिव यहाँ बहुत तेज चलता है बुल मार्केट में। इलेक्ट्रिक व्हीकल का थीम आ गया तो हर हर तो टेक्सटाइल वाले को भी ईवी से जोड़ देंगे, और जितनी भी कंपनियां होंगी वो ईवी से जुड़ जाएंगी अचानक से, फिर उसमें एक्टिविटी आ जाएगी। तो लोग नैरेटिव में फंस जाते हैं बहुत ज़्यादा, रियलिटी से दूर चले जाते हैं। तो देर इज़ अ फाइट बिटवीन रियलिटी एंड परसेप्शन इन बुल मार्केट्स। तो इसलिए कुमार सौरभ सारे बहुत ही फेमस हैं, मैं उनको फॉलो करता हूँ, बहुत रिस्पेक्टेड हैं हमारे। तो उनने बोला था कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को बुल मार्केट में देखा जाता है, और फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को बेयर मार्केट में देखा जाता है। करेक्ट तो हाँ, क्योंकि पीएनएल तो मैनिपुलेट हो सकता है और कैश फ्लो सबको पढ़ना नहीं करेक्ट आता है, कैश फ्लो का इंटरप्रिटेशन डिफिकल्ट होता है।
और पीएनएल तो देख लिया, नेट प्रॉफिट बढ़ गया और ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है। उसके तो बहुत सारे तरीके हैं उसको मैनिपुलेट करने के, वो सब ऑडिट, वो सब बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस तो कैसे भी कर देते हैं तो मालूम नहीं पड़ता है। तो और इसलिए आपने एक पॉइंट मेरे, करेक्ट बोला कि कोई भी अभी कंपनी आती है वो मेंशन कर देती है कि हम ईवी में, तो उनका स्टॉक रैली हो जाता है और फिर हाँ क्योंकि मेरे। वो नैरेटिव चल रहा है, वो हाँ, स्टोरी चल रही है, तो वो रिटेल उसके पीछे फिर तुरंत भागने लग जाता है रिटेल कि को भाई ये भी ऐसे ही देखना चला चाहिए कि एक्चुअल में रेवेन्यू आ रहा है ईवी से कि नहीं आ रहा है ईवी से, वो भी दिया होता है कि रेवेन्यू परसेंटेज रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है कंपनी है। का। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो वो प्राइस टू अर्निंग जो है ना, वो प्राइस टू स्टोरीफिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है। जितना ज्यादा स्टोरीफाई होगा उतना प्राइस ऊपर जाता है। तो प्राइस टू स्टोरीफिकेशन रेशियो भी एक नया मार्केट में आ गया है, तो ये भी चलता है। तो बुल मार्केट में इस चीज से दूर रहना, प्राइस टू स्टोरीफिकेशन से दूर रहना है, प्राइस टू अर्निंग, ईवी टू एबिटा जैसे पैरामीटर्स, और रियलिटी देखनी है कि ग्रोथ का ड्यूरेशन कितना है, करेक्ट, व्हाट इज द लॉन्जिविटी, लॉन्जिविटी मतलब ड्यूरेशन, तो उस चीज को जरूर ध्यान रखना है। दूसरा, बुल मार्केट्स में मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि भाई पैसा जल्दी कमाना है या पैसा ज्यादा कमाना है, इसमें डिसाइड कर लीजिए। तो यार जल्दी कमाना है तो वो तो बुल मार्केट में लोग बहुत सारे स्कीम्स लेके आते हैं, जल्दी 2 दिन में करोड़पति, खरीदी 1,000 में बेचिए, इस तरह का कुछ स्कीम लेके आते हैं, तो उस चक्कर ना पड़िए कभी भी, है ना। तो ज्यादा ज्यादा के में रहिए कि समय देंगे और ज्यादा, ना कि समय कम और जल्दी जल्दी करके और फिर हो जाएगा, वो सस्टेनेबल तरीका नहीं है, वो सस्टेनेबल तरीका नहीं है। और एक और यह है कि 16-17 के बुल मार्केट से मैंने सीखा कि पोर्टफोलियो की क्वालिटी कम होती जाती है, जैसे जैसे बुल मार्केट में यूफोरिया पे आता है ना, तो हम सोचते हैं कि भाई ये लार्ज कैप आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक्स बहुत ही कम रिटर्न दे रहे हैं, और कुछ ऐसे माइक्रो कैप, पेनी स्टॉक्स, नैनो कैप जैसे स्टॉक्स बहुत अच्छे रिटर्न दे रहे हैं, छोटे वहाँ शिफ्ट कर जाते हैं, पूरा पोर्टफोलियो वहीं लगा देते हैं। जब ऐसे इस तरह से चीज़ें होने लग जाती है ना, तो बुल मार्केट वहीं खत्म हो जाता है। तो इस तरह से बचना चाहिए आपको, एक पोर्टफोलियो में क्वालिटी बना के रखनी चाहिए कि इतना परसेंटेज लार्ज कैप में रखना है, इतना मिड कैप में, कुछ परसेंटेज आप, ठीक है, आप थोड़ा रिस्क लेने के लिए, अगर आपको अलाउ करता है आपका पॉकेट, तो बिल्कुल आप रिस्क ले सकते हैं। तो ये भी एक लर्निंग है बुल मार्केट की, कि क्वालिटी कर्व में आप नीचे ना जाएं, वरना फिर बेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा पेन हो जाएगा। तो ये 3 चीज़ें हैं जो बहुत ध्यान रखनी चाहिए बुल मार्केट में। क्या राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है धीमान भट्टाचार्य सर का, व्हाट इज योर लर्निंग फ्रॉम बेयर मार्केट। ये तो हमने एड्रेस कर लिया, आपने पहले ही बता बता दिया, दिया, वो तो पहले हो गया। पहले ही बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इफ मैं देखता हूँ, नहीं डन, यही थे सर क्वेश्चंस। एनी एंडिंग रिमार्क्स सर? एक मैं चीज हमेशा बताता हूँ, लोग जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं ना, सर मैं लॉन्ग टर्म का थोड़ा फैशनेबल होता है बोलने में, कि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, किसी स्टॉक में फंस जाते हैं फिर बोलते हैं हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। तो तो होप स्टोरी में बिलीव करके कि चल हाँ, असल में जाएगा। क्या होता है ना, अगर लॉन्ग टर्म नहीं बोलेंगे तो उनका थोड़ा सा मार्केट में वजन कम पड़ेगा, ज्यादा, अरे लॉन्ग टर्म नहीं बोल रहा है, मार्केट में क्या करेगा, तो ऐसा होता है। असल में कोई भी स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता, आपका कैपिटल लॉन्ग टर्म के लिए होता है। अगर मान लीजिए आपके पास पैसा ही 2 साल के लिए, तो आप 5 साल स्टॉक कैसे रख सकते हैं, आप रख ही नहीं करेक्ट सकते। करेक्ट करेक्ट आपके लिए स्टॉक जो है लॉन्ग टर्म के लिए है, वो किसी के लिए 5-10 साल पहले से पड़ा होगा, तो उसका लॉन्ग टर्म तो खत्म हो गया 10 साल में, तो क्या फिर क्या स्टोरी खत्म, ऐसा नहीं होता है। लॉन्ग टर्म आप जितना कैपिटल के हिसाब से होते, जैसे मेरा जो पर्सनल कैपिटल तो वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, इसलिए मैं पोजिशनल इन्वेस्टिंग करता हूँ। जो मेरे फादर का पोर्टफोलियो है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल, तो मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता हूँ, मैं दोनों तरह का करता हूँ। तो इसलिए ये ध्यान रखिए कि आपका किसी को कॉपी मत कीजिएगा, राकेश झुंझुनवाला ने सेल खरीद लिया तो हम भी खरीद लेते हैं, हो सकता है राकेश झुंझुनवाला का पोर्टफोलियो ही माइट बी इन्वेस्टिंग 0.1% ऑफ हिज टोटल कॉर्पस इन सेल, करेक्ट। और आप लगा देंगे 10%, और वो साइक्लिकल कमोडिटी स्टॉक है, आप उसका रिस्क नहीं समझ रहे हैं, आप और सामने वाले का उनका टाइम हॉरिजन नहीं समझ रहे हैं। और इनका उनका इन्वेस्टमेंट भी, इन्वेस्टमेंट थीसिस भी अलग होगा आपके बिल्कुल आपके बिल्कुल अलग होगा उसकी, मैं बोला वो खरीद रहे हो इन्फॉर्मेशन 3 महीने के लिए और आप खरीद इन्फॉर्मेशन रहे हो 3 साल के लिए। हाँ, उनकी करेक्ट। इन्फॉर्मेशन अलग है, आपको तो उनका शेयर होल्डिंग डेटा मालूम पड़ेगा क्वार्टर के बाद, करेक्ट। तब तो आप फंसे रह जाएंगे, तब तक तो प्राइस हो सकता है 50% डाउन हो जाए। आपको लाइव डेटा तो राकेश जो फोन करके नहीं बता रहे हैं कि मैंने खरीद लिया, मैंने बेच दिया, मैंने आप ही भेज कर दो, दिया, आप ही नो वन भेज नोज, दिया। हाँ नो वन नोज। इसलिए ऐसे कॉपी नहीं करना चाहिए कभी भी, परसेंटेज एलोकेशन में ध्यान रखना चाहिए, और चीज़ों को कैपिटल के हिसाब से आप जरूर उसको इवेल्युएट कीजिए कि आपका कैपिटल कितना अलाउ करता है। लॉन्ग टर्म अच्छा बात है, लॉन्ग टर्म करना चाहिए, लेकिन आप देखिए आपके इन्वेस्टमेंट स्टाइल को सूट भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आप ड्रॉडाउन देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं। अगर आपका 100% प्रॉफिट है किसी स्टॉक में, वो 50% हो जाए, तो यू 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 शुड नॉट लूज योर स्लीप इफ आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, ये तो होना ही होना है।
इट इज मैंडेटरी, हो सकता है 100% का 0% भी हो जाए, बिल्कुल हो सकता है, फिर बाद में 500% हो जाए, तो वो तो होता ही होता है, वो तो पार्ट ऑफ जर्नी है। अगर आप नहीं नहीं देना चाहते मार्केट को प्रॉफिट बैक, तो आप बुक कर लीजिए, किसने रोका आपको, कोई सेबी ने तो बोला नहीं भैया 100% हो गया तो आपको बेचने नहीं देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल बेच सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म है तो आपको एक नोशनल प्रॉफिट है, उसको डाउन होना आपको अगर जा रहा है तो आपको बिल्कुल देखना पड़ेगा, आपको उसको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए, और अगर नहीं है तो आप बुक कर लीजिए, आप फ्रेमवर्क बनाइए अपना, मैंने बना रखा है भाई, मैं बुक कर लेता हूँ, मैं बाद में एंट्री देखूंगा, ये चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और आपने एक और एक पॉइंट डिस्कस किया कि किसी को भी कॉपी नहीं करना चाहिए। आई थिंक सजय सर ने भी, सजय सर मतलब एट द रेट अनसीन वैल्यूज इनका ट्विटर हैंडल है, उन्होंने बिल्कुल भी बिल्कुल कुछ दिन पहले ट्वीट किया था कि कन्विक्शन कैन बी बोरोड, राइट? तो कन्विक्शन कभी आइडियाज आइडियाज कैन आइडियाज कैन बी कॉपीड बट कन्विक्शन कैन नॉट बी कॉपीड। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। आप वो देख के वो स्टॉक खरीद सकते हो, बट उतना आप में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा उस स्टॉक को होल्ड करने वक्त, अगर वो 50% डाउन हो गया तो। जब पोर्टफोलियो रेड में जाता है ना, तब भाई नींद नींद रो जाती है अगर बॉरोड कन्विक्शन हो। करेक्ट, बोरोड कन्विक्शन लीन हो जाती है, लेकिन जिसने स्टडी करके खरीदा है उसे पता है कि क्यों डाउन हुआ है, राइट? उसे पता है बिल्कुल कि बिल्कुल कोई शॉर्ट टर्म पीरियड है इसीलिए डाउन है, बाद में लॉन्ग टर्म में अच्छा अपॉर्चुनिटी है। करेक्ट बिल्कुल करेक्ट बात है, करेक्ट। करेक्ट करेक्ट। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन दिस शो सर, बहुत ही ज़्यादा लर्निंग पैक सेशन था ये, मतलब हर एक मिनट मिनट में लर्निंग थी। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जय, और मैं आई वाज वेरी वेरी फॉर्चुनेट टू बी पार्ट ऑफ योर शो, नो सर, और आई वाज मैं आप वेरी इतनी फॉर्चुनेट टू हैव यू। आप अपनी आप इतनी कम एज में इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और आपकी इमेज में तो हम डोरेमोन और पोकेमोन से देखा करते थे और आप भी देखिए, जरूर देखिए, हर चीज़ करनी चाहिए, लेकिन मैंने बोला आज रिसोर्सेज इतने बढ़ गए हैं कि भाई एम्पावरमेंट अच्छे से हो रहा है, एक अर्ली एज में भी एम्पावरमेंट हो रहा है लोगों का, ये बहुत अच्छी बात है, इंडिया का फ्यूचर है आप जैसे लोग, और आप लोग बढ़िया करें, हमारी ये शुभकामनाएं हैं, और मार्केट में लोगों को एजुकेट करते रहें, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच, एंड बेस्ट विशेस टू यू एंड योर इनिशिएटिव्स। थैंक यू। थैंक यू।